घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे रूस के खतरनाक इरादों की तस्वीर साफ होती जा रही है। दावा यह किया जा रहा है रूसी सेना ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है। एक साथ यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना की तरफ से 80 से ज्यादा मिसाइल दागी गई है। यूक्रेन के शहरों पर बहुत बड़ा हमला। काला सागर से रूस का मिसाइल अटैक। रूस के बारूदी हमलों से कांप उठा की जिसका डर था, अब यूक्रेन से वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्राइमिया ब्रिज पर हुए धमाके का यूक्रेन से बदला लिया जा रहा है। एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी मिसाइलों ने हमला बोल दिया। काला सागर में तैनात रूसी वॉरशिप यूक्रेन के शहरों को चुन चुनकर टारगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। कीव पर बारूदी कोराम की ऐसी तस्वीर है जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। रूस के इस रॉकेट हमले में कीव का आर्क ऑफ फ्रीडम पूरी तरह तबाह हो गया। क्राइमिया ब्रिज पर हुए धमाके की आग में अब यूक्रेन भी झुलसने लगा है। कीव में रूसी सेना भयानक बमबारी कर रही है। मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को देखिए। व्यस्त सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों के बीच अचानक एक जोरदार धमाका होता है। दावा किया जा रहा है कीव को झुकाने के लिए रूस की सेना एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी दावा किया है रूस के लगातार हो रहे हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। Десятки ракет, иранские шахиды, у них две мишени, энергообъекты по всей нашей державе, Киевщина и Хмельниччина, Львів и Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему, вони безнадійні. Друга мішень – це люди. सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर है, किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। कीव से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक धमाके के साथ धुएं का गुबार पूरे आसमान पर छा गया है। ये धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कीव की धरती पर कोहराम मचाने वाली मिसाइलों का हमला शुरू हो चुका है। कीव से आई इस दूसरी तस्वीर को देखिए। मिसाइल हमले की जबरदस्त स्ट्राइक देखकर लोग डरे और सहमे हैं। कीव से आई इस तस्वीर को भी देखिए। कीव पर लगातार हो रहे हमलों ने इस लड़की को बदहवास कर दिया है। ये उन मिसाइल हमलों की लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। जो मिसाइलें इस वक्त कीव की धरती पर तबाही मचा रही हैं। और अचानक एक जोरदार धमाके का वीडियो भी इस लड़की के मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री के मुताबिक पुतिन ऐसा दहशत फैलाने के इरादे से कर रहे हैं। यूक्रेन पर एक साथ कई रूसी मिसाइलों का हमला हुआ, यह शांति प्रिय यूक्रेनी शहरों में दहशत फैलाने का एक तरीका है, लेकिन इससे वो यूक्रेन को झुका नहीं पाएंगे। उनका यही जवाब हर उस देश के लिए होता है जो शांति चाहता है। पुतिन एक आतंकवादी है जो मिसाइलों से बात करते हैं। खबर तो यह भी आ रही है
कि यूक्रेन पर हो रहे इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ज़ेलेंस्की को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है।